पूर्वी गोंडा ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर खंडहर में हुई तब्दील। क्षेत्रीय विधायक से लेकर शासन प्रशासन तक नहीं दे रहा है ध्यान। मंदिर के पास से होकर गुजरने वाली टेढ़ी नदी में भी है गंदगी की भरमार। नमस्कार साथियों, आज मैं गोंडा जनपद के विकास खंड कटरा बाजार, जी हाँ कटरा बाजार में एक पौराणिक स्थल है अंजावलपुरी धाम के नाम से। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे एक नदी दिखाई पड़ रही है, इसे टेढ़ी नदी के नाम से लोग जानते हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ अंजावलपुर धाम का यह तट कुतला तट के नाम से फेमस है। लेकिन आपको जानकर यह हैरत होगी कि यहाँ पर जब समय समय पर मेला लगता है, विभिन्न आयोजन होते हैं, क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे स्नान होता है, यहाँ पे एक किनारे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मूर्ति विसर्जन भी होता है। हैरत की बात यह है कि आप इस पौराणिक स्थल पर बने इस कुटला तट में गौर कर पा रहे हैं तो गंदगी की भरमार है। यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधि की नज़रें नहीं पड़ती हैं, यहाँ पर किसी भी प्रशासन की नज़रें नहीं आती हैं। आप देख पा रहे हैं नदी के बिल्कुल तट के किनारे, जिसे कुटला तट कहा जाता है, गंदगी का बिल्कुल भरमार बना हुआ है। गोंडा जनपद के विकास खंड कटरा बाजार अंतर्गत अंजावलपुर धाम से विख्यात है ये पौराणिक स्थल। मंदिर के पास से होकर गुजरने वाली टेढ़ी नदी में भी है गंदगी की भरमार। अब आइए हम चर्चा करते हैं इस पौराणिक स्थल बहुत पहले इतिहास के बारे में। स्थानीय लोगों के कहने के मुताबिक इस मंदिर की स्थापना, यूं कह लीजिए कि इस मंदिर का नींव डालने के लिए श्रवण जी फलाहारी जी महाराज के नाम से एक सैद्धांतिक पुरुष हुआ करते, जिन्होंने यहाँ पर इस पंचमुखी महादेव सहित यहाँ जितना भी कुछ आपने देखा, जिसकी स्थापना उन्होंने की। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे ऊंचा सा एक स्तंभ बना हुआ, ये फलाहारी जी महाराज के समाधि स्थल है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं उनके साथ जुड़ी हुई है कि उन्होंने हमेशा, जब तक उनका जीवन रहा है, स्थानीय लोगों के मुताबिक हमेशा उन्होंने फलाहार किया, जिसके कारण फलाहारी बाबा के नाम से भी उनको लोग जानते हैं। हम आपको दिखा दें, अंजावलपुर धाम में हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं एक दरवाज़ा बना हुआ है, ये दरवाज़ा ठाकुर द्वारा के नाम से फेमस है। यहाँ राम जानकी की मूर्ति है, यहाँ लोग पूजा करते हैं। और इसी के तुरंत बगल में दूसरी तरफ जो द्वार पे देख रहे हैं वहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते थे। जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक ये मान्यता है कि हम अपने देवी देवताओं की, अपने आराध्य की परिक्रमा करते हैं। आप तुरंत बगल देख पा रहे हैं एक संकीर्ण मार्ग बना हुआ है, जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करने के बाद परिक्रमा करते थे। और सबसे कौतूहल का विषय है कि इसके अंदर एक गुफा बना हुआ है, जहाँ लोग शांतिपूर्वक बैठ करके अपने आराध्य देव को याद करते थे, यूं कह लीजिए तपस्या करते थे। आइए हम इसके अंदर चलकर आपको दिखाते हैं क्या है राज जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। बने रहिए हमारे साथ। से रजनीकांत तिवारी के साथ लाल बाबू तिवारी की रिपोर्ट। जी मेरा नाम रमनलाल दुबे, गांव
जी, मेरा नाम रमन लाल दुबे है और ये फलाहारी कुटी लोग कहते हैं, वैसे इसका नाम अंजावलपुरी धाम, घाट का नाम कुटिला तट है। जिसके संस्थापक कह लीजिए या नींव डालने वाले कह दीजिए परम संत श्री श्री 1008 श्री श्रवण देव जी महाराज फलाहारी जी ने इसकी मतलब है ये इस मंदिर को बनवाया और आज जो है ये उपेक्षा का शिकार है, जिसमें जो ठाकुर द्वारा था उसकी मूर्तियाँ महाराज जी के मूर्ति स्थल के बगल में लगाई गई हैं। जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं, श्रवण देव जी महाराज का मूर्ति सामने है। श्री श्रवण देव जी महाराज जिन्होंने इसकी नींव डाली, जिन्होंने इसको बनवाया, उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्न नहीं किया, केवल फलाहार पर निर्भर रहते थे। ऐसी मान्यता है कि लोग हमारे यहाँ के बाबा कहते थे कि एक बार यहाँ भंडारा पड़ा जिसमें घी कम पड़ गया, तो नदी से जल घी मांगा था और घी लेकर के और उसको कड़ाह में डाल करके उससे पूरी बनवाई, फिर घी मंगवा करके उसी नदी में डाला गया। ऐसी मान्यताएं पूर्वज लोग कहते आए हैं। और बाकी यहाँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पंचमुखी महादेव एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ दिन पहले बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्यता थी। आप देख पा रहे हैं ये सीढ़ियाँ, ये पुरानी दीवारें इनकी गवाह हैं कि यहाँ पर कुछ दिन पहले, सालों पहले बहुत अच्छा एक प्राकृतिक समागम हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ जनप्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों की नज़रें ना जा पाने के कारण ये ऐतिहासिक मंदिर आज उपेक्षाओं का शिकार है।